हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दुर्गा पूजा का छुट्टी खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है और हम लोग आ गए हैं खड़गपुर। बच्चे लोग का स्कूल भी खुल गया है और बच्चे लोग स्कूल गए हैं। और देखिए, मैं अभी सुबह का काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत तो काम हो गया, झाड़ू हो गया है। बाहर में बहुत सारा कचरा जमा हुआ था, कचरा मतलब जितना भी पत्ता वगैरह था उसका इकट्ठा किए थे, तो उसको जला रही थी अभी। तो अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ और ये देखिए, ये बेड वगैरह थोड़ा सा झाड़ ली हूँ। और अभी तक मेरे काम वाली नहीं आई है, पोछा लगाएगी और वही कपड़ा धोएगी और बर्तन वगैरह तो मैं धो ली हूँ। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं वही आग चला रही थी, वही दिख रहा होगा आपको। तो ये सब थोड़ा सा गंदा हो गया था, बहुत दिन से वहाँ पे कचरा सब पत्ता सब जम गया था। और देखिए मेरा गेंदा फूल कितना अच्छा से खिला हुआ है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे भी, और दिखाती हूँ इस साइड में, देखिए यहाँ पे भी प्यारे प्यारे से फूल खिला हुआ है। और यहाँ पे हम लोग साग लगाए हैं, भाजी, मूली साग, मेथी साग, कुछ भाजी है। देखिए मेरा किचन गार्डन, वहाँ पे झींगा है, देखिए आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए झींगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ता में बनाई थी सूजी का छिल्ला और उसके साथ नारियल का चटनी। तो सब खत्म हो गया सुबह से ही, हम लोग पापा और मेरे लिए बचा ही नहीं। जब भी अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट बनता है तो बच्चे लोग बहुत प्यार से खाते हैं, तो लेके भी जाते हैं। तो मैं और अपने पापा के लिए दूसरा कुछ बनाऊंगी अभी। और अभी टाइम हो रहा है, सुबह का 8 बज रहा है। तो सब काम भी पेंडिंग है, मतलब पोछा जब तक नहीं लगेगा पूजा भी नहीं कर पाऊंगा। अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा फूल तोड़ के लाऊंगी, तब तक अगर आ जाएगी तो मेरे काम वाली थोड़ा सा काम कर लेगी फटाफट सा। बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू करना है क्योंकि बहुत सारा पेपर वगैरह गिरा हुआ है। छुट्टी में जाने के बाद तो आप लोगों को पता है कैसे होता है क्वार्टर का हालत, तो उसको भी साफ करना है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मेरे लिए और पापा जी के लिए। तो बना रही हूँ लौकी का चिल्ला। तो लौकी के साथ ना यहाँ पे कच्चा चावल जो है उसको पीसती हूँ और बाकी मसाला सब, और उसको इस तरह से चिल्ला रोटी जैसे बनाते हैं ना उसी तरह से ही बना रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो जब भी मैं ये बनाऊँगी ना, बच्चे लोग को ज़रूर दूँगी। बच्चे लोग आज नहीं खाए हैं ये, क्योंकि बाद में बनाई थी। ब्रेकफास्ट में उन लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये लौकी का चिल्ला। ऐसे भी तो लौकी का सब्ज़ी मेरे बच्चे लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इस तरह से सोच रही हूँ मैं उन लोग के लिए भी बना दूँ। क्योंकि मैं जब खाई ना ये लौकी का चिल्ला, आज पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम ही ऐसे बना रही हूँ। मतलब मैं कुछ कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करती रहती, तो मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स, नहा के अभी पूजा पाठ कर ली हूँ और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और आज का मेरा ब्रेकफास्ट है, पहली बार बनाई हूँ, फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है लौकी, लौकी का चिल्ला। और आज फर्स्ट बार बनाई हूँ, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसका रेसिपी अगर आप लोग को देखना है तो मेरे एक चैनल है, कुकिंग चैनल तेजस्विनी शरीफ, उसमें जाके आप इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स, चटनी का तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद थोड़ा सा काम करूँगी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद और वीडियो नहीं बना पाई, कुछ काम कर रही थी, मतलब लंच वगैरह बनाई। लंच वगैरह बनाने के बाद बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं और अभी उनके पापा नहीं आए हैं, बच्चे के पापा। तो मैं यहाँ पे और बच्चे दोनों तो खा लिए हैं फटाफट से, और पापा जी साइड में बैठे हैं, तो हम लोग दोनों लंच करें। हस्बैंड आएंगे तो वो भी लंच करेंगे। तो चलिए, मेरा लंच भी हो गया है। और ये ना छोटी वाली बेटी दोबारा से आप लोग को हमारे जो किचन गार्डन है वही दिखा रही है। वो मोबाइल लेके गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए ये प्यारा प्यारा सा फूल कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये गेंदा फूल, थोड़ा मीडियम साइज़ का है। लेकिन ये क्या है ना, मतलब भारी होके थोड़ा सा नीचे झुक जा रहा है ऐसे, मतलब नीचे हो जा रहा है,
और बहुत सारा खेला हम लोग बहुत पहले ही लगाए थे, तो इसीलिए बहुत अच्छा से ये खिल गया है। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस गेंदा फूल ही मैं लगाई हूँ और बाकी फूल नहीं लगाई हूँ। अभी तो ठंडा शुरू हो रहा है, देखती हूँ और कौन सा फूल अभी लेके लगाऊंगी। तो देखिए, और एक चीज आप लोग को दिखाएंगे, चलिए। तो ये मनी प्लांट देख सकते हैं, ये ना एक्चुअली मैं किचन में ना ड्राइंग रूम में पता नहीं कहाँ रखी थी, तो वहाँ पे उतना बढ़ नहीं रहा था, तो लास्ट में मैं इसको बाहर नहीं रखती ताकि ये धूप थोड़ा सा खाए। और देखिए लंबा हो गया है कितना अच्छा सा। और हम लोग छुट्टी में गए थे तो वो थोड़ा सा गिर गया था, अभी सीधा हो गया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लंच करके, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद आज कुछ शॉपिंग करना था, तो हम लोग आए हैं खड़गपुर की गोल बाजार। मतलब शॉपिंग मतलब बच्चे लोग का यूनिफॉर्म है, अभी ठंड का सीजन शुरू हो गया है ना, तो उन लोग के लिए ही कुछ कुछ खरीदना था, तो यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म खरीदे। तो देखिए हम लोग गोल बाजार से ये एक वाइट टी शर्ट लेके आए हैं, पीटी ड्रेस है, और ये अपना ब्लेजर लेके आई है, ये देखिए स्कूल का, और बड़ी वाली बेटी का ये लेगिंग्स है, और ये छोटी वाली के डेली यूज वाला फुल हाथ वाला ये टी शर्ट है, और ये बड़ी बेटी के लिए एक फुल हाथ टी शर्ट है, ये है पैंट ऐसे ठंडा में पहनने के लिए, और ये छोटी वाली का है, ये बड़ी वाली का है, और ये देखिए छोटी वाली का। तो दोनों के लिए दो दो करके हम लोग लेके आए हैं पैंट शर्ट से ठंडा में पहनने के लिए इस तरह से, और बड़ी बेटी के लिए ये देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म है, उसका फट गया था तो ये यूनिफॉर्म लेके आए हैं। और एक तो ये टी शर्ट ना थोड़ा सा छोटा हो गया, छोटा पड़ गया है, तो इसको एक्सचेंज करना है, तो इसको मैं रखती हूँ फोल्ड करके, और ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं, यही सब ही लाए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग गोल बाजार से आ गए हैं, हम लोग शाम को ही गए थे, कितना बजे 5:30 बजे के आसपास। तो आज उतना भीड़ ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग खरीद लिए, और खरीद ले मतलब वही डेली यूज वाला कपड़ा सब बच्चे लोग के लिए, जैसे ठंड में जो पहनने के लिए वही सब। हाँ, और एक नहीं दिखाई आपको, शूज एक टू खरीदे शू, तो छोटी बेटी का उसका भी छोटा हो गया था सारा, तो उसको भी लिया आज। तो जितना भी सामान लिए सब आप लोग को दिखाई। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।